हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल AKC टेक्निकल क्लासेज में स्वागत है। अगर आप डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे सभी नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, क्योंकि हमारे चैनल पर डिप्लोमा से संबंधित सभी जानकारी दी जाती है और सभी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को सारणिक के बारे में बता दिया था, आज हम आपको सारणिक के अनुप्रयोग के बारे में बताएंगे। तो इसमें आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है इसमें। तो इसमें दिया है, देखिए आपके सामने है सारणिकों के अनुप्रयोग। इसमें सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे। तो मान लेंगे यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः x1y1, x2y2 तथा x3y3 हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए फार्मूला होता है 1/2, फिर सारणिक का चिन्ह, फिर x1y11, x2y21, x3y31। तो इस पे अभी आप लोगों को हम एक उदाहरण बता रहे हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक विधि से हम लोग कैसे निकालेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बताया है सारणिक का बेसिक, उसका नियम, तो आप लोग पिछला वीडियो देखकर तब आगे बढ़िएगा। तो आइए उसका उदाहरण हम देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमारा दिया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -2, -3, -2, -1, -8 हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग सारणिक विधि से कैसे निकालेंगे। तो हमने बताया है पीछे 1/2 x1y11, x2y21, x3y31। तो इसमें देखिए x1 बराबर हमारा -2 है, x2 बराबर 3, x3 बराबर -1, y1 बराबर -3, y2 बराबर 2, y3 बराबर -8। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग फार्मूला रखेंगे तो 1/2 x1 बराबर -2, y1, x2 y2, x3 y3, सबका मान हम लोग रख लिए हैं। अब इसको हम लोग सारणिक को सॉल्व कैसे करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बताया आप लोगों को सारणिक सॉल्व कैसे किया जाता है, कब प्लस कब माइनस कैसे कैसे लगता है। तो आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिएगा और आइए इसको भी हम लोग समझाते हैं आपको कैसे समझ में आएगा आपको। तो 1/2, तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग रो, फर्स्ट रो को लेंगे तो -2 हो जाएगा, फिर कोष्ठक में उसके बाद देखिए फर्स्ट को लिए हैं तो फर्स्ट ए पूरा हो जाएगा हमारा। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें 2 × 2, फिर यहाँ माइनस का चिन्ह होता है, फार्मूले में बताया गया है। तो -8 × 1 -8 होगा, तो इसलिए माइनस माइनस यहाँ भी माइनस था तो प्लस हो जाएगा, इसलिए 2 + 8 हो गया प्लस। देखिए फिर उसके बाद दूसरे में हमारा जो होता है, फिर इसको जब लेंगे हम तो यहाँ हमारा फार्मूले में यहाँ माइनस चिन्ह होता है, तो देखिए यहाँ भी माइनस है इसलिए +3 हो जाएगा। फिर इसको लिए थे और इसको, तो इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो 3 × 1 = 3, उसके बाद फिर यहाँ माइनस होता है तो देखिए -1 - 1, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह होता है तो देखिए 1 हो गया। उसके बाद इसको इसको बंद कर लेंगे तो 8 × 3 = 24, -24, फिर यहाँ माइनस होता है तो -1 × 2 तो -2 होगा, माइनस होता है तो +2 हो जाएगा। इसको देखिए देखिए यहाँ पे फर्स्ट को लेंगे माइनस तो -2 हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इन दोनों को बंद करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें 2, यहाँ माइनस का चिन्ह होता है लेकिन ये -8 है, इसका करेंगे यहाँ तो +8 हो जाएगा प्लस। फिर यहाँ देखिए यहाँ से होगा तो यहाँ हमारा माइनस चिन्ह होता है तो यहाँ माइनस पहले से तो +3 हो जाएगा। उसके बाद इसको इसको जब बंद कर लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 3 + 1 हो जाएगा, फिर प्लस इसको लेंगे 1, इसको सॉल्व करेंगे तो -24 + 2। जब इसको हम लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये टोटल हमारा सॉल्व करने पर आ जाएगा -15। तो देखिए दूरी क्षेत्रफल जो होता है माइनस में होता है, या तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आएगा लिख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 15 वर्ग इकाई। तो ये समाकलन का अनुप्रयोग था, इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे आप लोगों को हमने बता दिया है। आगे देखते हैं फार्मूला क्या है। देखिए फिर मेरा जो अगला फार्मूला है वो 3 बिंदुओं के संरेख होने के लिए। तो माना 3 बिंदु A x1y1, x2y2 तथा x3y3 हैं। जब तीनों बिंदु संरेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो 0 के बराबर होगा, अर्थात 1/2 x1y11, x2y21, x3y31 बराबर 0। या हम लिख सकते हैं इसको x1y11, x2y21, x3y31 बराबर 0।
मतलब जब संरेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो 0 के बराबर होगा। देखिए अगला फार्मूला क्या है। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हम लोग सारणिक विधि से कैसे निकालेंगे। तो मान लेंगे दो बिंदु एक्स वन वाई वन तथा एक्स टू वाई टू हैं। माना बिंदुओं ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा पर एक अन्य बिंदु कोई एक्स कामा वाई है। अतः दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का जो समीकरण हो जाएगा वो होगा हमारा एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन बराबर 0। इन सब फार्मूलों का यूज आप लोगों को हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय बताएंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप लोग अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं सारणिक का तो पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ।